शालेय शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कड़ू ने कहा कि कुछ स्कूल बोगस पालक शिक्षण समिति कर रहे हैं, अगर जांच में सही पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नर्सरी शुरू नहीं की जा सकती, वर्तमान में स्कूलें बंद है और ऑनलाइन क्लासेस शुरू है। इस हालत में पूरी फीस भरने की सख्ती नहीं की जा सकती। यदि कोई स्कूल मनमानी करता है तो शिक्षा अधिकारी उनकी सूची तैयार करे, उन स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को बच्चू कड़ू की उपस्थिति में जिलाधिकारी कार्यालय के बचत भवन सभागृह में सिटी के विविध स्कूल प्रबंधन व पालकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इसमें अपर जिलाधिकारी श्रीकांत फड़के, शिक्षा अधिकारी माध्यमिक डॉक्टर शिवलिंग पटवे, शिक्षा अधिकारी प्राथमिक चिंतामन वंजारी उपस्थित थे। कड़ू ने कहा कि स्कूल प्रबंधन और पालकों के बीच आमने सामने की बैठक होनी चाहिए। नियम बाह्य और फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर फौजदारी मामला दर्ज किया जाएगा। इसके लिए एक समिति विस्थापन की गई है, समिति अपनी रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। इसमें यदि शिक्षा विभाग के अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। इस बार कोरोना संकट के कारण स्कूल बंद है, केवल ऑनलाइन क्लासेस ही शुरू है। इस हालत में स्कूलों में शिक्षा शुल्क कम करे, पालकों ने यह मांग भी की थी। समिति खाली 15 दिन के लिए रहेंगी, 15 दिन में ये पूरे जो प्रकरण अभी आ गए इसका सब 15 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 20 और 30 एक महीने के अंदर उस पर कार्रवाई होगी। वो तो जिन लोगों ने तकरार की है, अभी हमने सबको बोला कि जो इस समिति जो भी 15 स्कूल है, जो भी पालक जिन्होंने तकरार की है उसमें से जिसको ज़्यादा जानकारी है उनकी समिति, वो तो उन पर ही पालक पर ही निर्भर। देखो मैंने पहले ही बोला कि ये जो स्कूल है बड़े लोगों की है और वो राजकीय भी प्रभावशाली लोग हैं, इसलिए पूरा अपन अधिकारी को अगर गुनहगार रखेंगे तो नहीं होगा। हम आगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं सभी इस पर ये जो भी हमारे पास तकरार आ गई उस पर सभी बिल्कुल पारदर्शक कार्रवाई होंगी और आगे कुछ ना हो इससे, अभी भी बार बार तकरार ना होना चाहिए, इस पर भी अंकुश लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, INBCN न्यूज़ नागपुर।